नमस्कार दोस्तों, आपका KDS राजस्थान में स्वागत है। मैं हूं नागेश कुमार कौशिक। राजस्थान में सुजानगढ़ सहित 4 जगहों पर उपचुनाव होने वाले हैं और उन उपचुनावों की तैयारियों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां कमर कसकर तैयार है। कांग्रेस में जहां यहां सुजानगढ़ में लगभग स्थिति स्पष्ट है कि मनोज मेघवाल ही प्रत्याशी होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में उम्मीदवारों के लिए दावेदारी करने वालों की लिस्ट बहुत लंबी है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक चुनौती होगी वह किसे उम्मीदवार यहाँ उपचुनाव में बनाए और किस तरह से बाकी जो कार्यकर्ता हैं उनको संतुष्ट रख सके। इसीलिए आज उपचुनाव की तैयारियों के लिए ही भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता गुलाबचंद कटारिया, जो कि विधानसभा नेता प्रतिपक्ष भी हैं, यहां पहुंचने वाले हैं और प्रेस वार्ता करने वाले हैं। हम भी उन सवालों को जानने की कोशिश करेंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या घटनाक्रम चुनाव को लेकर, आइए देखते हैं। वो क्या है कि ये जो बाई इलेक्शन है ये सरकार की 2 साल की परफॉर्मेंस पे जनता की छाप होगी। कारण क्या है कि 2.25 साल में इस सरकार ने न तो अपने बजट का उपयोग किया, सुजानगढ़ के लोग ये बता दें कोई ऐसा काम आपके यहाँ हुआ हो 2 साल में जो याद रखने लायक बच्चों को ध्यान में हो कि ये हमारे यहाँ काम बड़ा आश्चर्यजनक हुआ है इसलिए इसको माने। पूर्णतः फेल 19-20 का बजट का उपयोग नहीं कर पाए, 20-21 का बजट का उपयोग। आज राजस्थान पत्रिका ने प्रत्येक जिले के वो सारे बड़े काम जो होने थे जो अभी तक ज़मीन पर नहीं उतर आए, तो ये सरकार की बड़ी असफलता। फिर क्या है कि पिछली बार जिन बातों को लेकर जनता को गुमराह किया उसमें 3-4 पॉइंट मुख्य रूप से थे जिसके कारण से जनता ने इनको वोट दिया। उसमें पहला था कि हम 10 दिन में सब कर्जे माफ़ कर देंगे। ईमानदारी से सब किसान समझ रहे हैं कि किसका कर्जा माफ़ और नहीं हुआ। बेरोजगारों को हम 3500 रुपया का भत्ता देंगे। कल हमने क्वेश्चन के अंदर ही आया था कि इसने एक लाइन लिमिट तय कर दी, 1,60,000 बच्चों को ही बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। घोषणा पत्र में लिखा कि या तो नौकरी देंगे या बेरोजगारी भत्ता देंगे। ऐसे बच्चे जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है वो 16 लाख है, तो एक तरह से बच्चों की ठगाई हुई। और 1,60,000। फिर कहा बिजली का पैसा नहीं बढ़ाएंगे। और कल मैंने विधानसभा में जब भाषण दिया तो मैंने बताया कि ये राजस्थान हिंदुस्तान में पहला राज्य है जहाँ सबसे महंगी बिजली छोटे छोटे कंज्यूमर को मिलती है और किसी राज्य में नहीं। हमारे यहाँ बिजली खरीदी जाती है, जो गवर्नमेंट खरीदती है वो 4.15 रुपये से लेकर 4.80 रुपये में खरीदती है और कंज्यूमर को 8 रुपये से लेकर के 12 रुपये में बेचती है। साधारणतः जो 50 यूनिट भी जिसने जलाया है उसको साल का बजट 1400 रुपया बढ़ गया, जितना पहले आता था उसे 1400 रुपये अधिक हुआ है। और सामान्य जो घर गृहस्थी वाला भी है उसका भी बुझेगा। फिर सबसे बड़ा जो उन बेरोजगार बच्चों को जो संविदा कर्मी है, ऐसे राजस्थान में 3 लाख संविदा कर्मी, इन लोगों ने अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि हम सब इनको पक्की नौकरी पे लगाएंगे। 2 साल तो इनकी कमेटी बनी हुई है, अभी तक तो कोई पक्की नौकरी का कहीं हुआ नहीं। चलो वो तो छोड़ो पक्की नौकरी तो, लेकिन वो पंचायत सहायक आज भी 6,000 में काम कर रहा है, तो मैं सोचता हूँ 8 साल तक 10 साल तक कोई पंचायत सहायक 6,000 में काम करे उसका बच्चा रोटी खाएगा, दूध पिएगा कि नहीं पिएगा। केवल वो इस लालच से लगा हुआ है कि मैं आज नहीं तो कल परमानेंट हो जाऊँगा, आज नहीं तो। उस बच्चे के साथ भी उसने एक तरह से ठुकाई हुई। इस सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर की जो धज्जियाँ उड़ा के रखी, कारण क्या कि मैं सोचता हूँ कि गृह मंत्री का चार्ज मुख्यमंत्री चाहे रखे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम एक सहायक मंत्री तो ऐसा हो जो डे टू डे इसकी मॉनिटरिंग करे कि अपराध की स्थिति क्या है, किस प्रकार के अपराध है। सरकार कहती है हमने फ्री रजिस्ट्रेशन किया, इसके मुझे कोई सरकार बता दे चाहे हमारी रही चाहिए, क्या बलात्कार का मुकदमा कोई दर्ज कराने ना कर सकता है, कोई मर्डर हो गया उसको ना कर सकता है, कोई लूट हो गई उसको ना कर सकता है, कोई चोरी की सिफारिश ना कर सकता है। इस प्रकार की केवल और केवल मैंने सारे IPC के हेड गिनाया उनको, कॉमन जो IPC के 22% अपराध बढ़ा है, महिला अपराध 45% बढ़ा है, शेड्यूल कास्ट अपराध 61% बढ़ा है, शेड्यूल ट्राइब 85% अपराध बढ़ा है 18 की तुलना में। तो लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से फेल सरकार स्थिति, और सरकार का कोई भी मंत्री सही प्रकार से विधानसभा में जवाब दे सकता है? कल हमने एक क्वेश्चन पूछा था कि भाई आपने ये घोषणा की थी 19-20 के बजट में कि हम हर पंचायत समिति पर नंदीशाला खोलेंगे, अब आपको किसने सौगंध दिलाया कि ये बोलो अगर जेब में पैसा नहीं? बजट का प्रावधान है ही नहीं, बिना बजट के प्रावधान के आप गौशाला खोलोगे ऐसा कभी भी बजट नहीं आता है।
88 कॉलेज खोले हैं राजस्थान में, एक भी कॉलेज का बजट का एक नए पैसे का एलोकेशन बजट में नहीं है कि कॉलेज खुलेगा तो स्टाफ का पैसा कहाँ से आएगा, तनख्वाह कहाँ से आएगी, बिल्डिंग कहाँ से आएगी, सुविधाएं कहाँ से आएगी, कुछ है ही नहीं। तो बिना बजट के कोई सरकार पहली बार बजट की इतनी अवहेलना कर सकती है, वो इन्होंने की है। और पिछली बार आपको पता है कि 2,41,00,000 गांव के लोगों ने मतदान किया, उसमें इनको 21 में से 5 सीटें मिली जिला प्रमुख की और हमें 14 मिली। जिस नगरपालिका के चुनाव को लेकर ये बार बार पीठ थपथपा रहे हैं, पहले जो चुनाव हुए अभी 90, उसमें जो वार्डों की संख्या थी वो 2300 थी, इन्होंने बढ़ा करके 3,52,53 की, 700 बने वार्ड कैसे बनाए। एक विशेष कम्युनिटी के और विशेष जो वोट है वो तो 250 का वार्ड है, उसी नगर पालिका में दूसरा वार्ड 900 का है जहाँ वोट है। तो एक तरह से वार्डों में अधिक संख्या में जीते हैं, उसका उन्होंने कुकृत्य किया। और उससे भी ज़्यादा कुकृत्य कब किया कि 7 दिन बाद चेयरमैन का चुनाव होगा, तो उस नगर पालिका का पार्षद कोई हवा में उड़ जाएगा, जिसको ढूंढने जाओगे 7 दिन लगेंगे, केवल इसलिए कि खरीद फरोख कैसे हो। जब 50 की बनी थी तब इन्होंने बहुत फीट पटवाई थी, पर बहुमत तो 15 में ही आया था ना, और आपने 36 बना लिए, ये क्या है? ये लोकतंत्र के लिए अच्छा सिंबल है क्या? अभी 90 के इलेक्शन हुए थे, 90 में से बहुमत कांग्रेस को 19 मिला, इसका मतलब 71 नगर पालिका के अंदर कांग्रेस को लोगों ने हराया, लेकिन उसके बाद भी 48 चेयरमैन बना दिए। ये गैप किस लिए दी? ताकि खरीद फरोख का, तो एक तरह से लोकतंत्र को बिगाड़ने का एक कुप्रयत्न इन्होंने किया, जिसको भविष्य में राजस्थान की जनता भी भुगतेगी और ये पार्टियां भी भुगतेगी, जिस प्रकार का खरीद फरोख के आधार पर लोगों को इधर से उधर मिलाना और बनाना। तो मेरे हिसाब से तो विधानसभा में मैंने जितने भी क्वेश्चन लगाए कोई प्रॉपर जवाब नहीं देता। प्रताप सिंह जी बहुत ज़्यादा हेकड़ी करते हैं, उनको यही पूछा तुमने जब बजट घोषणा हुई तब क्या हम ग्रामीण सेवा शुरू करेंगे? 2.25 साल हो गया तुम्हारी ग्रामीण सेवा का, अभी तैयारी कर रहे हैं। अरे 2.25 साल तो तैयारी में लिखा हो, तब तक तो तुम्हारी अंतिम समय आ रहा है। और सबसे बड़ा प्रशासनिक ढांचा इसलिए चरमरा गया कि इनकी इस आपसी फूट के कारण से प्रशासनिक कंट्रोल ही नहीं आ पा रहा है, और उसको सफ़र कौन कर रहा है? जनता सफ़र कर रही है। लड़ तुम दोनों रहे हो और माथे हमारे मान रहे हो कि बीजेपी हमको तोड़ रही है। अरे भाई यार, तुमको मेरे पूछ करके हरियाणा के होटल में गए थे क्या? मैं सोचता हूँ कि जिस प्रकार से दो खेमे में बटे हुए हैं, और अभी भी आपने देखा राहुल गांधी जब आए तो उस व्यक्ति का कितना अनादर हुआ। मैं ईमानदारी से, मैं राजनीतिक विरोधी वो हो सकता है, लेकिन जब उनकी पार्टी 21 पे रह गई, इस आदमी ने मेहनत करके इस पार्टी को राज तक पहुंचाने का, उसका इतना अपमान उसके कारण से। किसका अनादर हुआ ही पूछ रहे हो? उप हमारा जो यहाँ का राजस्थान का एक तरह से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पायलट साहब का जिस प्रकार से अनादर हुआ है, वो सबने जग जाहिर है देखा है। मैं सोचता हूँ कि आप किसको कितना अधिकार दें ये तो आपके अधिकार में है, लेकिन कम से कम सम्मान तो बनाए रखो। ये तो राजनीति में हर आदमी अपनी इच्छा रखता है, तो वास्तव में एक तरह से बिखराव की स्थिति में है। मैंने पहले भी कहा कि तुम जिस दिन तुम्हारी मंत्रिमंडल का विस्तार करो उस दिन सरकार गिरेगी, और आपने भी देख लिया ना कि सबको गुड़ लगा करके तो चिपकाए रखा, लेकिन जब बढ़ाने का सवाल आया तो बना नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बनाते ही धमाका हो जाएगा। इसके लिए कब करेंगे? जब बाई इलेक्शन हो जाएंगे उसके बाद, फिर उसके बाद कोई ना कोई और बीमारी आ जाएगी, फिर उसको और टालते जाएंगे। तो जिनके कुंडली में गुड़ लगाए हैं वो सब अंदर ही अंदर कुल बुला रहे हैं ना, इस कारण से हालत बहुत पतली है। टिकटों को लेकर आज किस तरीके का मंथन हुआ? हाँ जी, हमारे यहाँ बहुत फेयर है, हम हर कार्यकर्ता से राय जानने की कोशिश करते हैं और उसमें से जो बढ़िया होता निकालते हैं। मैंने हर कार्यकर्ता को जो मेरी सूची में हैं, जिसमें अभी के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष, अभी चेयरमैन, पूर्व चेयरमैन, अभी के जनप्रतिनिधि, पूर्व चेयरमैन, प्रदेश के पदाधिकारी, उन सब से व्यक्तिगत मैंने स्लिप पर 3 नाम लिखने को कहा, 1, 2, 3 करो, और उसको छांट करके हम लोग निकालेंगे कि वास्तव में सब मिला करके किसका ठीक बनता है, उसको हम चयन करेंगे। सर, आपका एक बयान था कि परिसीमन से शहर जलेंगे, क्या तात्पर्य? मेरा ये तात्पर्य था कि कहीं आप 185 का वार्ड बनाते हो, एक समाज विशेष के वोट जहाँ होते हैं, जहाँ आपका पार्षद आसानी से जीत सके,
एक वार्ड को तोड़ करके आपने चार वार्डों की रचना के लिए और चार पार्षद जीता दिए और उस संख्या के आधार पर आप वोट बना करके अपनी पीठ थपथपा रहे हो, तो ये जो उस नगर पालिका में आपने जो समाज को बांटने का प्रयास किया है अपने वोटों के खातिर, उसके कारण से यह जो टकराव है ये एक दिन विश्व भूलेगा और वो शहर भुगतेगा। हमारे कोई टकराव नहीं है, हमारी पार्टी में टकराव चल ही नहीं सकता क्योंकि हम किसी नेता की पार्टी नहीं है, हम कार्यकर्ताओं की पार्टी है, इसलिए हमारे यहाँ कोई टकराव नहीं होता। सर, कुछ भाजपा नेता सीएम फेस की मांग कर रहे हैं। देखो, मैं सोचता हूँ कि जिनका हल्का सोच है, जब पार्टी को निर्णय करने की स्थिति आएगी तो पार्टी अगर कुछ तय करके कहेगी तो उसके हिसाब से चुनाव लड़ेंगे, और किसी का फेस डिक्लेयर नहीं करेंगे तो बिना फेस के भी चुनाव लड़ेंगे। राहुल गांधी के राजस्थान दौरे पर उन्होंने एक बयान दिया था कि फेस का बनिया चोर व जमाखोर है, तो मैं सोचता हूँ कि उस आदमी को तो घुमा दो, वो जहाँ जहाँ घूमेगा वैसे ही बंटा ढाल कर जाएगा इस पार्टी का, तो और कुछ जरूरत ही नहीं है। वो क्या बोलता है, कितना बोलता है, उस जैसा ऊंचाई वाला आदमी जिस भाषा को बोलते हो आप, और मैं सुनता हूँ आपको अच्छा लगता है एक नेता के ये शब्दों। सर, पेट्रोल डीजल की महंगाई उपचुनाव में बीजेपी के लिए कितना बड़ा मुद्दा? निश्चित रूप से पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, पर ये सारे देश में एक साथ बढ़ रहा है, केवल राजस्थान के लिए तो नहीं बढ़ाया। राजस्थान पे कंट्रोल करने के लिए आप जो वेट लगाते हो, हिंदुस्तान से सबसे अधिक वेट राजस्थान में है, 38% था, अभी 2% कम करके 36 किया, जो सबसे हाईएस्ट है। हमारे जितने आसपास के राज्य हैं उनमें डीजल और पेट्रोल 9 रुपया सस्ता मिलता है। आप सबने अनुभव किया नहीं क्या, लोग वहाँ से भरा करके टैंक फुल होकर के आते नहीं आते हैं लोग, उसके कारण से इन सारे पेट्रोल डीजल का तस्करी करने का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सर, गजेंद्र सिंह जो कि मंत्री है, उन्होंने कल पल्ला झाड़ा था कि महंगाई बढ़े ये हमारे हाथ में नहीं है, तो जिम्मेदारी किसकी? देखो, ऐसा है कि महंगाई का बढ़ना और घटना ये कुछ चीज़ों के ऊपर निर्भर करता है, केवल अकेला हिंदुस्तान में नहीं है। फिर भी मैं सोचता हूँ आज की तारीख में दुनिया की कंपैरिजन में करो तो आर्थिक स्थिति इस कोविड में सबकी खराब होने के बाद भी उनमें आज बेस्ट स्थिति में कोई देश है तो भारत है। सर, पंजाब में निकाय परिणाम आया है, तो आपको लगता है किसान आंदोलन के चलते बीजेपी को नुकसान होगा? देखो, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। सामान्यतः जहाँ की सरकार होती है अधिकांश नगर पालिका के चुनाव उसके फेवर में जाते हैं, ये मैं आज नहीं कह रहा हूँ, आप 20 लाख का विश्लेषण करें, जिसकी सरकार होती है उसको अधिक सीटें मिलती है सामान्यतः। राजस्थान में उपचुनाव के फिर क्या मायने लगाए कांग्रेस? मेरे हिसाब से 100% फेल होगी, और मैं आपके मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ कि ये सरकार को इस बात का मैंडेट जाएगा कि 2 साल में उसने कुछ नहीं किया राजस्थान के लिए, और इसके कारण से, और दूसरा, देश का प्रधानमंत्री जिस तरीके से देश को भारत में और दुनिया में जिस प्रकार से उठाने का प्रयत्न कर रहा है, और गरीब को गणेश मान करके जो योजनाएं प्रारंभ की उसके कारण से अभी जो 2,41,00,000 लोगों ने जो वोट डाले हैं वो इस बात का प्रमाण है कि गांव का व्यक्ति उन छोटी छोटी योजनाओं से, चाहे वो शौचालय बना हो, चाहे उज्ज्वला योजना बना हो, चाहे नरेगा का काम मिला हो, चाहे प्रधानमंत्री सड़क योजना हुई हो, चाहे किसान सम्मान निधि हुई हो, ये सब इस बात को इंगित करती है कि बिना मांगे इस व्यक्ति ने उस गरीब को वो दे दिया जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की। प्रधानमंत्री आवास योजना, राजस्थान अकेले में 15 लाख आवास की स्वीकृति दे रखी है, उसमें 13 की पैसे जारी हो गए, 9 बनकर के तैयार हो गए हैं। इसके पहले इंदिरा आवास बनते थे जो जंगल में अभी भी बिना खिड़की और बिना दरवाजे के आपकी और मेरी इंतजार कर रहे हैं। चारों सीट अगर बीजेपी जीतेगी तो पुनः क्या राजस्थान में आप सरकार बनाने का प्रयास करेंगे? देखो, मैं जो नहीं, सरकार तो अगर गिरेगी तो हम क्या करेंगे, जरूर बनाएंगे। सरकार गिरेगी तो हम क्यों नहीं बनाएंगे? ये तो मैंने तो आपको पहले ही कहा ना, जिस दिन मंत्रिमंडल का विस्तार किया उस दिन विस्फोट होगा। सुजानगढ़ में सीएम ने घोषणाओं का अंबार लगाया है। बात ये नहीं, ये क्या है, इनकी आदत है चुनाव जीतने के लिए, और उसमें और हमारे इनके बीच में 50,000 का वोट का डिफरेंस था। 50,000 वोट का डिफरेंस में वो बेरोजगार बच्चा भी आ गया जिसको नौकरी की तरस में उसने वोट दिया, उसमें वो संविदा कर्मी भी आ गए जो 3 लाख की संख्या में थे कि हमको नौकरी मिल जाएगी, उसमें वो भी आ गया कि बिजली का पैसा नहीं बढ़ेगा, और अब करंट तारों में नहीं आ रहा है, कागज के छूते में आ रहा है, तो उसके कारण से लोगों को तबीयत झक हो गई है, जो लोग ठोकेंगे अब की बात तबीयत से। देखो, यहाँ उपचुनाव में सर दावेदार बहुत ज्यादा है, क्या ये बीजेपी के लिए? देखो, अच्छा है, दावेदार अच्छा होने के कारण से चयन करने में सुविधा रहती है, हर आदमी की इच्छा होती है लोकतंत्र में, पार्टी में काम करता है। 38,000 से हराने वाले 38,000 से जो हराने वाली पार्टी
कैंडिडेट थे और हारने वाले उनको टिकट दी जाएगी? देखो ऐसा न तो हारने का न जीतना, हमारा कार्यकर्ता जो कहेगा उसको टिकट देंगे। धन्यवाद।